गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम हमारा चैप्टर कर रहे थे कौन सा, फेयर प्ले। आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये पढ़ लिया था कि जुम्मन और चाची ने अलगू को अपना हेड पंच बनाया था, है ना। तो पेज नंबर हम 87 से शुरू करेंगे और है हम लास्ट वाले पैराग्राफ पे हैं इसमें, ठीक है। 3 years ago began Jumman. Jumman ने कहना चालू किया कि 3 साल पहले my aunt transferred her property to me. मेरी aunt ने मुझे कुछ property की क्या करी थी, transfer करी थी, मतलब मेरे नाम करी थी कुछ property. I promised to support her as long as she lived. और मैंने उन्हें ये promise किया था कि जब तक वो जिएंगी ना, जब तक वो मतलब जब तक शी विल सर्वाइव, शी विल बी अलाइव, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना उनके लिए कर सकता हूँ उतना मैं सब कुछ करूंगा उनके लिए, उन्होंने ये कहा। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी वाइफ के बीच में और उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो रही है अभी, बट मैं उनको नहीं रोक सकता। यूजुअली घर में जब लोग रहते हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती है, हर तरीके की लड़ाई होती है। तो उसने कहा कि मैं इन लड़ाइयों को रोक नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी। नाउ माई आंटी इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब जो मेरी आंटी है, ये जो मेरी आंट है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी है, ये मुझसे क्या चाहती है, कुछ अलावेंस, यानी मासिक भत्ता कहेंगे या फिर अलावेंस, मासिक मतलब कुछ ऐसा अमाउंट चाहती है ताकि इनका गुजारा चल सके। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो जुम्मन ने कहा कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं इन्हें महीने का खर्चा, जो किराया है, जो भी कहते हैं उसे, वो नहीं देना दे सकता। दैट्स ऑल गुड आई से, यही है जो मैं कह सकता हूँ बस, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। तो उसने अपनी बात रखी कि इस तरीके की कोई बात है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर। अब क्रॉस एग्जामिन करना होता है आपस में बातें करके, उसको बातचीत करके, उसको उनसे सही सच उगलवाना है ना। क्रॉस एग्जामिन करके, क्रॉस एग्जामिन करा गया। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हमने ये जो मैटर है, ये मसला है, ये जो मैटर है, इसको बहुत केयरफुली देखा है, बहुत ध्यान पूर्वक देखा है। इन आर ओपिनियन, हमारे नजरिए में, इन आर ओपिनियन, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलावेंस। जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलावेंस देना ही होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अगर वो उसे नहीं देगा तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सीधा किसके पास चली जाएगी, आंट के पास चली जाएगी। अलगू ने ये डिसीजन लिया कि जो उसे मंथली अलावेंस देना ही होगा आंट को, अगर वो ऐसे नहीं देगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सीधा किसको चली जाएगी, आंट को चली जाएगी वापस। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और इसके बाद से दोनों दोस्त कभी भी साथ में नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए, क्योंकि दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों दुश्मनी में बदल गए। क्योंकि जुम्मन को क्या लगा था कि वो शायद अलगू उसके फेवर में क्या देगा, जो अपना डिसीजन है वो उसके फेवर में देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो क्या हो गया था, एकदम टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। इनफैक्ट जुम्मन अब अलगू का क्या बन गया था, एकदम वो बन गया था, दुश्मन बन गया था, और उसे क्या चाहिए था, अब अलगू से रिवेंज चाहिए था। रिवेंज मतलब क्या होता है, क्या होता है रिवेंज, मतलब रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट वन। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं साथ ही साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द सेंटेंसेस अंडर द फर्स्ट विद दोज अंडर द सेकंड। आपको फर्स्ट यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों को आपस में मैच करके लिखना है। मैच करके मतलब होता है मिलान करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखती जाऊंगी, मतलब मैं फर्स्ट का साथ के साथ लिखती जाऊंगी, आप उसका फर्स्ट का करते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट है जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स,
इसका इसमें से आएगा कि इन एब्सेंस ऑफ वन द अनदर टुक केयर ऑफ द फैमिली, है ना। द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। दूसरा है चुम्बन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी उनकी, द कंडीशन दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। इस तरीके से करना है आपको, जो राइट आंसर है वो उसके सामने ही लिखना है, जो भी राइट आंसर है उसको आपको सामने लिखना है, ठीक है। थर्ड है द आंट डिसाइडेड टू अपील टू पंचायत, क्यों हम पंचायत से अपील की थी, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, जस्टिस, शी वॉन्ट जस्टिस, क्या चाहिए था उसे, न्याय चाहिए था। अगला है अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट आंट, वो आंट को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहता था, बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ही ज्यादा क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और लास्ट वाला है जुम्मन वॉज हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच, क्यों हैप्पी हो गया था, तो इसका है फर्स्ट ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो इसी तरीके से आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है कॉपी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।